इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जांजगीर जिले में कचहरी चौक पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। आज हड़ताल का पहला दिन है और हड़तालियों की मांग है कि उन्हें रेगुलर किया जाए। जो आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जांजगीर जिला में कचहरी चौक पर हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगे हैं कि उन्हें रेगुलर किया जाए, अन्यथा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन दिन तक चलती रहेगी। मध्य प्रदेश शासन के प्रिय शासन काल में 1992 से संविदा काल लाया गया और हम चाहते हैं कि संविदा में जो दर्द है वो हम 1992 से लगभग जितने भी संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो लोग इस दर्द का जो है सकते हैं। और हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 2008 से इस संविदा में आए हैं और न ही हमें नियमितीकरण का लाभ मिला है अभी तक से और न ही किसी प्रकार की सुविधाएँ मिली। हम यदि HR की मांग करते हैं या अन्य मेडिकल भत्ते की मांग करते हैं तो हमको यही बोला जाता है कि आपका एकमुश्त वेतन है, एकमुश्त वेतन ही आप कार्य करें। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी नियमितीकरण हो और जो 1992 से जो संविदाकरण चालू किया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा उसे इस कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बंद किया जाना चाहिए। यह हम छत्तीसगढ़ शासन से पूर्ण रूप से आह्वान करते हैं। एक अमरीश भाई शाह भाई देखा जा रहा है लगातार आपके द्वारा हड़ताल अनेकों बार किया गया है मगर अब तक किसी प्रकार की आपको मांगों को लेकर के सुनवाई नहीं हुई। इस पर क्या रणनीति के साथ हड़ताल किया जा रहा है और क्या क्या प्रभावित हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जितना अपने तरफ से हो सकता है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया, चाहे एक दिन की हड़ताल हो, मनोकामना रथ यात्रा हो, मनोकामना यात्रा हो, साथ ही 33 जिलों तक भी हमने रथ यात्रा निकाल कर विभिन्न कलेक्टरों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। अंत में स्थिति आ गई है, चूँकि चुनावी समय नज़दीक आ गया है तो हम सभी संविदा कर्मचारियों के मन में जो जन घोषणा पत्र को लेकर के इनके द्वारा जो वादा किया गया है तो वो कहीं वादा अधूरा ना हो जाए और हमारे जो परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जा रहे हैं क्योंकि बहुत अल्प वेतन में हम सबको काम करना पड़ता है, उसी वादा को याद दिलाने के लिए पुनः अपील करने की, चूँकि अनुपूरक बजट अभी पेश होने वाला है, हम सब अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर बढ़े हैं। इस आंदोलन में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी विभागों के हमारे जो संविदा साथी है बड़ी संख्या में हमारे बीच पहुँचे हैं और लगातार ये आंदोलन दिनों दिन आगे बढ़ेगा। आज प्रथम दिवस हम लोग काली पट्टी लगा करके हमारे महिला साथियों ने अपने हाथों में मेहंदी लगाकर संविदा नियमितीकरण का रंगोली बनाकर आज का प्रदर्शन किया। आज जितने भी विभागों में सुविधा हमारे कर्मचारी साथी हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, पंचायत हो, शिक्षा हो, महिला बाल विकास हो, सभी विभागों में हमारे जो सुविधा साथी हैं उनके आने से सभी विभागों का कामकाज प्रभावित होगा और ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जल्द हम अपने काम पर भी लौटें, परंतु इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हमसे बातचीत करें और अपने वादा को पूरा करें। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे बस्तर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, सभी संभाग में प्रथम 6 दिनों के लिए अपने अपने जिला मुख्यालयों में और 10 तारीख से रायपुर में भारी विशाल संख्या में जो टूटा जो जहां पर स्थान आवंटित हुआ है वहां पर प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। सर आप किन किन कारणों से और कितना छुट्टी या मांगों को लेकर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं? पूरा स्वास्थ्य विभाग के समस्त केडर जिसमें नियमित कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी हैं और जीवन दीप समिति में जितने भी कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं उन सब की मांगों को, जो 24 सूत्री मांगों है उनको लेकर के पूरा स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर लगातार शासन प्रशासन को एक दिवसीय धरना, 2 दिवसीय धरना, 3 दिवसीय धरना और समय समय पर उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात करके हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों के सभी संवर्ग के जो वेतन विसंगति है, अति महत्वपूर्ण विभाग होने और अत्यावश्यक सेवा में रहने के कारण पुलिस विभाग की तरह 13 माह का 1 साल में वेतन और अन्य सभी मांगों को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय लिया है। आज उसका प्रथम दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ शासन और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी से इस मंच के माध्यम से और आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन की जो निर्णय लिया गया है, अगर आंदोलन लंबा चला तो जो जनहानि होगी वो बहुत ही गंभीर होगी। उसके जो जनहानि की किसी भी तरीके से हम पूर्ति नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री भी किसी के जनहानि का आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में उनके परिवार को जो क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि जो मान सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनकी सभी जायज मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्र पूरा करें। सर, आपकी मुख्य मांगें क्या है? मुख्य मांग में है सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति जो है 2006 के पहले से वेतन विसंगति है। अन्य विभाग में जो वेतन है उससे हम लोग लगभग 20,000 रुपये का डिफरेंस चल रहा है। सर, कितने सालों से आप लोगों की जो मांगे हैं जो आज तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है? लगातार 2006 से दो वेतन जो गठित हो गया, दोनों में भी उसका भरपाई नहीं किया गया है। आज तक विसंगति यथावत रखा गया है। ऐसे में तो आप लोगों की स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी हैं जो आंदोलन पे रहेंगे तो हॉस्पिटल जो भी मरीज आएंगे उन तो पूरा हॉस्पिटल ही चरमरा जाएगी। बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ चुकी है। आज पहला दिन है और जिला अस्पताल में भी जो गंभीर मरीज आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ कुछ एक दो कर्मचारी जो व्यवस्था में लगे हैं उनसे सेवाएं ली जा रही हैं। ओपीडी बंद कर दिया गया है या एक पाली में लेने का सूचना डाल दिया गया है। पता चला है कि जिला अस्पताल में ऐसा रोगियों को तुरंत रिफ़र किया जा रहा है, रखा ही नहीं जा रहा है और ओपीडी देख करके बोला जा रहा है मरीज यहाँ कोई कर्मचारी जो नहीं है जो इंजेक्शन लगाएंगे, पट्टी करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि वहाँ के जिला अस्पताल के सभी कर्मचारी आंदोलन में हैं, तो जो भी मरीज वहाँ जा रहे हैं उनको रिफ़र सिम्स के लिए रेफर कर दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ जो कर्मचारी टेक्निकल कर्मचारी जो होना चाहिए वो सब हड़ताल में। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह बाधित है। दुर्ग संभाग में भी किसी तरह का जिला अस्पताल के बाहर में सूचना पटल लगा है जिसमें ओपीडी एक पाली और सिर्फ अत्यावश्यक सेवा को छोड़ करके जैसे प्रसव है तो उसके लिए बस सेवा दी जाएगी, बाकी सेवाएं अभी लंबित रहेंगी, स्थगित रहेंगी। इस तरह का बैनर लगा दिया गया है तो ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के आंदोलन में जाने का ही परिणाम है। इसीलिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उनको शीघ्र पूरा करें क्योंकि शुरू भी उन्होंने जन घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि पहले साल हम किसानों को देंगे, दूसरे साल हम कर्मचारियों को देंगे। कर्मचारियों को उन्होंने दिया भी मगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। इसलिए उस संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री भूपेश बघेल जी से भी मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है, जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है उन्हीं को लेना है और वो शीघ्र निर्णय लें ताकि छत्तीसगढ़ की आम जनता को होने वाली जनहानि को रोकी जा सके। हम स्वयं हड़ताल नहीं चाहते, हमने बहुत मौका दिया सरकार को मगर हमारी बातों को वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में हमको जाना पड़ा। धन्यवाद जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं जी छत्तीसगढ़ जीवन की तरफ से हूँ। मैं प्रशासन से बताना चाहती हूँ कि हम लोग वहाँ प्रति 300 भागों होने तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। हम लोगों को कलेक्टर दर दिया जाए और रेगुलर दिया जाए और 66 साल के कार्य करके एज तक हम लोग कार्य कर सकें। बस प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हम लोग आओ। कितने सालों से आप लोग स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं? सर, मैं 4 साल से। 4 साल से किसमें है? JDS जीवनदीप किसमें है? समिति है सर, जीवनदीप में। आज तक जीवनदीप में कितना वेतन दिया जाता है? हम लोग को 2500 माह दिया जाता है सर। तो जीवनदीप में करीबन 9300 वेतन
मिलता है तो आप लोगों को 2500 रुपये किस हिसाब से वेतन दिया जाता है? जेडीएस में बोलते हैं कि जेडीएस में बोलता है कि तुम लोग हम लोग यही देंगे पैसे में। कौन अधिकारी बोलते हैं आपको? हमारे बीओ बोलते हैं। बीओमओ जेडीएस में हम तुम लोग को 2500-3000 के आसपास ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे। तो जितना जेडीएस का पैसा आता है वो कहाँ जाता है वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक, और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप मैं जेडीएस में मुझे ना 5 साल हो गया काम करते हुए, लेकिन हमारा जो है अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमें कलेक्टर दर दिया जाए और पैसा साथ की सिक्योरिटी के साथ में दिया जाए और हमें निमितीकरण दिया जाए। मैं यही चाहती हूँ सरकार से कहना कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी घर परिवार है, हम लोग 8 घंटा हॉस्पिटल में जाके सेवा करते हैं, उसके अनुसार हमें वेतन दिया जाए। और सरकार ये क्यों नहीं देखती है कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकें, उनकी अच्छे से परवरिश कर सकें। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमें निमितीकरण दिया जाए। आप लोगों को बीएमओ ऐसा धमका चमकार करते थे तो नहीं बोलते हैं कि आप लोग करना तो करिए नहीं तो जाइए? नहीं, ऐसा नहीं है, बोलते हैं सर कि मतलब इतना पेमेंट आपको दिया जाएगा, जेडीएस में सिर्फ 2500 का ही है, मतलब इतना प्रावधान है जेडीएस में 2500 का ही प्रावधान है, ऐसा नहीं दिया जाता है, ऐसा करके बोले जाते हैं। किसके द्वारा? बीएमओ। सर आप किस में, कौन से डिपार्टमेंट हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अधीन नेत्र सहायक अधिकारी प्रकोष्ठ में है सर। तो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए हैं तो आप लोगों की जो कार्य है वो तो पूरी बाधित हो गई होगी? सर ऐसा है कि 2008 से लगातार शासन प्रशासन के द्वारा हम छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी के द्वारा शासन को अवगत कराया जा रहा है कि वेतन विसंगति, समय मान, वेतन मान, अन्य कई कहना चाहिए वेतन विसंगति है जो आज तक कोई भी शासन चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो किसी के द्वारा पूरा नहीं किया गया। और हम इतना मजबूर हैं कि चूँकि हम पीड़ित मानव के सेवक हैं, हम विवश हो करके आज अनिश्चित पलन पर उतरे हुए हैं। हमें खुद अति खेद दुख हो रहा है चूँकि हम पीड़ित मानव के सेवक हैं, हम नहीं चाहते कि आंदोलन करें लेकिन विवश होकर ये हमें आंदोलन करना पड़ रहा है सर। बात है कि ऐसे स्थिति में तो हॉस्पिटल की व्यवस्था जो पूरा चरमरा गई है जी, तो इसका हम इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम पुनः आग्रह करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी से, टीएससी देव साहब से कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जो 24 सूत्री मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हम तत्काल अपने कर्तव्य पर अग्रसर रहेंगे सर। धन्यवाद। सर बताइए आप किन किन मांगों पर आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 24 सूत्री जो मांगे हैं इसमें जीवन दीप समिति, अनियमित कर्मचारी, डीएफएमसी कर्मचारी, ये कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों के जायज के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज से चालू किए हैं, जिसमें जैसा कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी को तो रेगुलर किया जाए और जो ये संविदा जो जीवनदीप समिति है तो जीवनदीप समिति के कर्मचारी के तो कलेक्टर दर पर के जो मांग है वो दिया जाना चाहिए, कलेक्टर दर पे जो मांग है वो मिलना चाहिए। तो उनके भी जो मांगे हैं हम छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी
एक बैनर तले काम करते हैं, एक संयुक्त रूप से काम करते हैं। इसलिए चाहूँगा कि जीवन दीप के जो